नमस्कार दोस्तों, एंटीक कॉइन्स एंड नोट्स की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन सर्कुलेटिंग कॉइन्स के बारे में जो हाई प्राइस में सोल्ड होते हैं, और उनमें ऐसा क्या है कि वो इतने हाई प्राइस में सोल्ड होते हैं कॉमन कॉइन होते हुए भी। पर इससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है, ये कॉमन कॉइन होते हुए भी मार्केट में इतने महंगे दामों में क्यों बिकते हैं, इनमें ऐसी क्या खासियत होती है। तो देखिए, जो ये कॉइन होते हैं, कॉमन कॉइन जो होते हैं, ये महंगे दामों पे इसलिए बिकते हैं क्योंकि इनमें कुछ खासियत होती है, जैसे कि एरर्स, ब्रोकरेज एरर, डबल डाई, ऐसे ही कई प्रकार के एरर होते हैं जो इन कॉइन्स को रेयर बनाते हैं और मार्केट में इसके आपको अच्छे दाम मिलते हैं। जी हाँ, एरर कॉइन्स। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे, जैसे कि ये हमारा एक कॉइन है, 1 रुपी का 1998 में बनाया गया कॉइन है ये, राइट। ये कॉमन कैटेगरी में आता है। इन कॉइन को भारत सरकार द्वारा 1992 से लेके 2004 तक मिंट किया गया था। जी, इन सभी ईयरों के कॉइन कॉमन कॉइन और कुछ कॉइन स्केयर कैटेगरी में भी आते हैं, पर ये कॉइन्स आपको मार्केट में अधिक से अधिक 50 से लेके 100 रुपये तक ही दिला सकते हैं। इस कॉइन की कंपोजिशन है स्टेनलेस स्टील, वेट 4.85 ग्राम, डायमीटर 25 mm, थिकनेस 1.4 mm, शेप राउंड और टेक्निक मिल्ड है। ये जो कॉइन है, इसमें आप देखेंगे कि आपको जो कुछ कॉइन है एरर कॉइन मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक कम्प्लीटली डीप ब्रोकरेज कॉइन है जी, जो ऑब्जर्व रिजर्व के बोर्ड फ्लैन पे छपा हुआ है। इसे हम ब्रोकरेज कॉइन कहते हैं, राइट। अब ब्रोकरेज कॉइन कैसे बनता है? जब पहले से ही छपा हुआ एक सिक्का होता है, उसकी डाई दूसरे ना छपे हुए हिस्से पे छप जाती है, और वही सेम मिरर यानी जो पीछे छपा हुआ है वही आगे भी आपको नज़र आता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अशोका एम्बलम जो है आगे भी छपा हुआ है और पीछे भी छपा हुआ है, राइट। तो इसे ये ब्रोकरेज एरर बनाता है, जिसे हम लाखी भी कहते हैं। आप देखिए, ये 1000 से 1200 रुपये में कॉइन बिकता है, और बिका हुआ है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये एक ऑक्शन साइट है जहां पर ये एक सिक्का बिका है 1000 से 1200 रुपए में। अब जो आप कॉइन देख रहे हैं, ये एक डबल हैमेट कॉइन है जिसमें डाई शिफ्ट भी है, राइट। अब डबल हैमेट कॉइन क्या होता है? जो कॉइन एक ही साइड पे मल्टीपल डबल स्ट्राइक हो गई है, जिस वजह से उस पर डबल स्ट्राइक यानी दो बार एक छपा हुआ है और प्लस वो शिफ्ट होकर छपा हुआ है यानी डाई शिफ्ट भी है। अब ये ऑक्शन साइट पे बिका है 1500 से 2000 रुपए में। जी हाँ, 1500 से 2000 रुपए में। ये भी एक कॉमन डेट का कॉइन है, पर एरर होने के कारण। अब आप जो कॉइन देख रहे हैं, ये डाई रोटेशन कॉइन है, यानी कि सिक्का जो है रोटेट हो, दूसरी तरफ गलत छपा है और पहली तरफ जो है सही छपा हुआ है। इसे हम डाई रोटेशन एरर कहते हैं, जो कि ये 6 o'clock एरर कॉइन है, राइट। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ये 10 रुपये का सिक्का है जो मैंने फेसबुक पर ही भेजा था, 2014 का ये 10 रुपये का सिक्का था, जिसको अगर आप पलट के देखेंगे तो ये उल्टा छपा हुआ होगा दूसरी साइड। ये पूरा ही 6 o'clock एरर है, राइट। इसमें आपको 3 o'clock भी मिल सकता है, 10 o'clock भी मिल सकता है, पर जो महंगा होता है वो 6 o'clock होता है, और उससे थोड़ा कम में 3 o'clock में होता है। ये कॉइन मैंने 2018 में फेसबुक पे बेचा था, 2018 की बात है, जो कि 400 रुपये में बेचा था। अब ये कॉइन जो है उससे पुराना कॉइन है, तो जितना पुराना कॉइन होता है और उसमें एरर निकलता है वो महंगा बिकता है। इसको आप, अगर आपके पास इस कैटेगरी में ये कॉइन है, तो आप 600 से 1500 रुपये तक में इस कॉइन को बेच सकते हैं। कोई भी कॉइन आपके पास आता है तो आप उसे पलट के ज़रूर देखिए, आपको वो एरर मिल सकता है। ऐसे ही कुछ फ्यू सिमिलर एरर कॉइन्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये 1 रुपी है पोस्टल सर्विस का, जो कि ये रिपब्लिक इंडिया में 2004 में छापा गया था, एनिवर्सरी ऑफ पोस्टल सर्विस की, राइट। अब आप इस 1 रुपये के कॉइन को देखेंगे तो ये भी एक ब्रोकरेज लाखी एरर है, जो कि कंप्लीट ब्रोकरेज है, यानी एक ही जो कॉइन के पीछे जो छपा था मिरर इमेज
वो सामने भी है, प्लस इसमें 6 o'clock एरर भी है, यानी कि आप देखेंगे एक हिस्सा उल्टा है एक सीधा है। ये कॉइन मार्केट में बिका है 10 से 12 हज़ार रुपये में। जी हाँ, ऑक्शन साइट पे 10 से 12 हज़ार रुपये में बिका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा कॉइन आता है 25 पैसे का, ये एक डबल डाई एरर है। अगर आप इसकी डेट ध्यान से देखेंगे तो 19944 प्लस मिंट मार्क जो है हैदराबाद का स्टार डेट के नीचे, वो भी 2 बार छपा हुआ है, इसे हम डबल डाई एरर कहते हैं। जी ये भी कॉइन रेयर कैटेगरी में आता है। अगर आपको एक कॉइन मिल जाता है तो आपको इस कंडीशन में ये 2500 से 3000 रुपये तक दिला सकता है। आप स्क्रीन पर देखिए, इसकी डेट को ध्यान से देख लीजिए, और ये एक ऑक्शन साइट है जहाँ पर ये कॉइन बिका है अभी ही कुछ दिनों पहले, राइट। तो आपके पास भी अगर ये कॉइन है तो आप इसे आसानी से बेच सकते हैं। अब आप ये देखेंगे 1964 का नेहरू का 50 पैसे का कॉइन है, जो कि एक डाई रोटेशन एरर है, यानी कंप्लीट 6 o'clock एरर है। ये 20 से 25 हज़ार रुपये में दोस्तों सोल्ड हुआ है मार्केट में। आप इसे आसानी से, अगर ऐसा कॉइन आपके पास है, और ये 1964 का कॉइन था इसलिए ये इतना महंगा बिका है। अब आप देखेंगे 2002 का यूनिफेस स्ट्राइक एरर कॉइन है, 2 रुपये का सिक्का। अब इसे यूनिफेस एरर होता क्या है, जब प्रेस में 2 ब्लैंक प्लैंचेट रखे जाते हैं तो जब मशीन उसे प्रेस कर रही होती है तो एक दूसरा ब्लैंक प्लैंचेट उसे छपने से रोकता है, जिस कारणवश ऐसा एरर बनता है। ये मार्केट में आपको दिला सकता है 3 से 4 हज़ार रुपये तक। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये अभी अभी ऑक्शन में बिका है। अब आप ये देखिए 2 रुपये का कॉइन 2017 का, ये एक मल्टीपल स्ट्राइक एरर कॉइन है, यानी जब ये कॉइन प्रेस में था, राइट, छपने के लिए जिस मशीन में डाला जाता है मल्टीपल स्ट्राइक एरर, वहाँ पे इसे मिलता है। बार बार मशीन के द्वारा एक ही प्लैंचेट पे मल्टीपल स्ट्राइक होने के कारण ऐसा एरर उत्पन्न होता है, राइट। जब मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है, कॉइन इजेक्ट नहीं हो पाता है और उसके ऊपर एक के बाद एक स्ट्राइक होते जाते हैं, तो इसे मल्टीपल स्ट्राइक एरर कॉइन कहते हैं। और आप देखिए ये ऑक्शन साइट पे कितने का बिका है, 10 से 12 हज़ार में। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए नई नई वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहेंगे। धन्यवाद।